अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिश है चिकन स्टू। 1 किलो चिकन का हम स्टू बना रहे हैं। 1 किलो चिकन में लगेंगी 600 ग्राम प्याज, जो कि 8 प्याज हैं, और इसको हम उबाल कर पीस लेंगे। और चिकन में जाने वाला मसाला है, ये खड़ा मसाला हमने लिया है। खड़े मसाले में है 1 टीस्पून ज़ीरा, और 10-12 इसमें हमने लिए हैं लौंग, 10 से 12 हैं काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून हमने लिया साबुत धनिया, 10-12 साबुत लाल मिर्चें, 2 टुकड़े अदरक के, 10 से 15 हैं लहसुन की कलियां, 8-10 हैं हरी मिर्च, और 1/2 किलो हमने इसमें दही ली है। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया है पानी को खुशक होने के लिए। प्याज हमने पीस ली है। अब एक हम बर्तन रखते हैं चूल्हे पे, उसमें तेल डालकर पिसी उबली हुई और पिसी हुई प्याज इसमें मिला देते हैं। इस टाइम पे चूल्हा को बिल्कुल स्लो रखिए, क्योंकि इसमें छींटे बहुत उड़ती हैं। इन प्याज को डालकर हम अच्छे से चला देंगे। इसके चलाने के बाद हम इसमें जो हमारा मसाला है, नमक, हल्दी और साबुत गर्म मसाला, वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। बड़ी इलायची को हम खोल कर डालते हैं। बड़ी इलायची हो या छोटी इलायची हो, आप उसको थोड़ा सा बीच में से खोल दीजिए, तब डाला करें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमने जो लहसुन, अदरक और साबुत लाल मिर्चें ली थी, वो भी इसमें काट कर डाल दी हैं। इसमें लहसुन भी मोटा मोटा ही काट कर डालिए, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, और साबुत लाल मिर्चें भी मोटी मोटी काट कर डाल दीजिए। अदरक हमने लंबी काटी है, वो इसमें मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको ढक देंगे, क्योंकि इस टाइम छींटे बहुत उड़ रही हैं, तो हम इसको 1-2 मिनट बाद खोल कर देखेंगे। प्याज में काफ़ी पानी है, तो उसकी वजह से छींटे उड़ती हैं। तो हम इसको चलाने के बाद अब इसमें दही भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से फेंटने के बाद हमने इसमें दही भी शामिल कर दी है। अब इसको अच्छे से चला देंगे। ये सारा मसाला बस इसी में भुन जाएगा। ये इस टाइम पे हमें लग रहा है कि बर्तन छोटा है हमारा, तो हम इसको बड़े बर्तन में पलट देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे छींटे बहुत उड़ती हैं। ये आप ख्याल रखिए, जब आप इसको खोलें तो चूल्हे को हमेशा बिल्कुल स्लो कर दें। इस तरह की कोई भी चीज़, आप प्याज टमाटर भूनने वाली हो या कुछ भी हो, तो हमेशा स्लो करके ही खोलें। हमने अब इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है अपने ग्रेवी को। अब हमने इसको भूनना शुरू कर दिया है। अब इसका पानी खुशक होने लगा है और घी थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगा है। इसका मसाला यही है, इसको बहुत अच्छी तरह से भूनने की ज़रूरत होती है। जब ये बहुत अच्छी तरह से भून जाता है और घी चारों तरफ हमें नज़र आने लगता है, तब हमारा मसाला, ये समझ लीजिए कि भून चुका है। मसाला भूनने के बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अगर थोड़ा भी नमी होगी और हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, तो चिकन की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती। जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए और हमें लगे कि अब ये नीचे तले में लगने लगा है, उस टाइम पे हम चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन को हमने 1/2 घंटे पहले ही छन्ने में रख दिया था, इसका पानी अच्छे से खुश्क होने के लिए। अब हम इसको अच्छे से भूनना शुरू कर देंगे, मसाले में मिलाकर इसको चलाते रहेंगे। इतनी देर पानी निचड़ने के बाद भी इसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है, तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए गलने के लिए। स्लो, जब हम इसको चलाने के बाद इसको हम स्लो कर देंगे, फिर हम इसको ढक कर रख देंगे। और ये इसी पानी में, इसी मसाले में, चिकन के अपने पानी में चिकन गल जाएगा। इसमें और कोई आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसमें पानी मत डालिए, नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। बस अब हमने इसको रख दिया है 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर स्लो में। अब हम इसको खोल कर देखेंगे कि ये तले में लग तो नहीं रहा। देखिए, ये अपने ही पानी में चिकन गलना शुरू हो गया है और अब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसे हम 2-3 मिनट और रख देंगे। हमें लग रहा है कि 2-3 मिनट और चाहिए इसको गलने के लिए। अब हमने देखा कि ये चिकन अब हमारा, समझ लीजिए, गल गया है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। भूनने के बाद हमने जो साबुत धनिया लिया था, उसको हम कूट लेंगे। चिकन इधर हमारा भून रहा है, हमने साबुत धनिया कूट लिया। साबुत धनिया हमें तभी डालना है जब चिकन गल चुका हो, फिर ये हम इसमें कूट कर शामिल कर देंगे। अब इसको
मिलाने के बाद हम 2 से 3 मिनट भूनते रहेंगे ताकि साबुत धनिया का जो फ्लेवर है अच्छी तरह से हमारी पूरी ग्रेवी में मिक्स हो जाए। ये हमें धनिया डालना है चिकन के गलने के बाद और सारा मसाला भुनने के बाद। हमने इसको अच्छे से चलाकर भूनना शुरू कर दिया है। ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए बूटी, ये हड्डी पे से अलग होने लगी है। तो चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, बस 2-3 मिनट में ये तैयार होने वाला है। तब हमने इसमें साबुत धनिया डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ग्रेवी में हम इसमें डाल देंगे कटी हुई मोटी मोटी हरी मिर्चें। कटी हुई मिर्च डालने के बाद हम इसमें हरा धनिया भी काट कर डाल देंगे। थोड़ा हरा धनिया हमें बचा लेना है जब हम सर्व करेंगे अपनी डिश को ऊपर से गार्निश के लिए। तो ये डालकर हम 2 से 3 मिनट इसको चलाएंगे। हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं, हमारा चिकन तैयार हो चुका है। बस अच्छी तरह से ऐसे कि जो मिर्चों का फ्लेवर है और धनिए का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से स्टू में आ जाए। बस चिकन को हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसको रख देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए स्लो में और चूल्हा बंद कर देंगे। अब चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इसमें हल्के हल्के सा घी ऊपर आने लगा है। बस अब हम इसको करते हैं डिश आउट। चिकन हमेशा जो स्टू बनता है चिकन का हो या मटन का हो वो भुना हुआ ही होता है, वो ग्रेवी वाला नहीं होता। अब चिकन हमारा तैयार हो गया है, हम उसको डिश आउट कर लेते हैं। एक बाउल में हम उसे निकाल कर सर्व करेंगे। इस तरह से आप एक बार चिकन बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।